श्री शंकर नारायण जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चौहान जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री अरुण जेटली जी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल, डिफेंस सेक्रेटरी श्री आर के माथुर, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वेस्ट नेवल कमांड वाइस एडमिरल चोपड़ा, TWDR हस्बैंड डॉक्स लिमिटेड रेड एडमिरल श्रावण, फ्लैग ऑफिसर्स, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, कैप्टन एंड शिप कंपनी ऑफ आई एन एस कलकत्ता, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही गर्व का दिन है, क्योंकि एक विशाल युद्ध पोत आई एन एस कोलकाता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय नौसेना में कुछ ही देर में कमीशन किया जाए। मैं माननीय प्रधानमंत्री का और बाकी जो अतिथिगण हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उनका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस कमिश्निंग सेरेमनी की शोभा बढ़ाई है। आई एन एस कोलकाता की कमिश्निंग के साथ साथ सोने पे सुहागा ये भी है कि ये विशाल जहाज अपने ही स्वदेशी शिपयार्ड मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में बनाया गया है। आप सब जानते हैं युद्ध पोत बनाने में हमारे देश की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तकरीबन 200 साल पहले इसी मुंबई डॉकयार्ड में कुछ ऐसे शक्तिशाली युद्ध पोत बनाए गए थे जिन्होंने सारे विश्व में असाधारण ख्याति प्राप्त की है। आजादी के बाद आत्मनिर्भरता को मद्देनजर रखते हुए नौसेना के निर्माण के लिए हमने 50 साल पहले एक नेवल शिप डिजाइन डायरेक्टरेट को स्थापित ने अपने ही नौसेना के युद्ध पोत अपने शिपयार्ड में बनाने शुरू कर दिए। 1961 से एक छोटे से पेट्रोल बोट INS अजय से शुरुआत करके हमारे नेवल शिप डिजाइन डायरेक्टरेट और हमारे शिपयार्ड ने कई तरह के फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, लैंडिंग शिप्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर तक डिजाइन करने और कंस्ट्रक्शन करने की क्षमता हासिल की है। आज हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि हमारे भविष्य के भारतीय नौसेना की नींव आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर रखी गई है और 44 विभिन्न तरह के जहाज और पनडुब्बियां अपने ही देश के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना एक मल्टी डायमेंशनल फोर्स है जो कि समुद्र के स्तर के नीचे, समुद्र की सतह पर, आसमान पर और अंतरिक्ष में भी ऑपरेट करने की क्षमता रखती है। इन महासागर में किसी भी चुनौती करने के लिए परस्पर तैयार रहते हैं। एक समुद्रवर्ती देश होने के तहत हमारी समुद्री संपदाओं और हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी नौसेना की कंधों पर है, क्योंकि इन हितों का सीधा संबंध हमारे देश की आर्थिक स्थिति से जुड़ा है और नौसेना इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। अरब सागर से जुड़े इन महासागर के समुद्री सरहदों की रक्षा करने की जिम्मेदारी पश्चिमी नौसेना कमान की है और कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा
कमीशन करने के बाद INS कोलकाता पश्चिमी बेड़े और पश्चिमी नौसेना कमान का एक बहुत ही शक्तिशाली अंग बनेगा। मैं INS कोलकाता के कमांडिंग ऑफिसर और पूरे शिप्स कंपनी को यह कहना चाहूंगा कि इस जहाज को कॉम्बैट रेडी रखने की जिम्मेदारी, उसके सही प्रशिक्षण और सही तरह से चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पूरे जोश, उत्साह, तालमेल के साथ एकजुट होकर इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। कुछ ही देर में हमारे देश का तिरंगा झंडा और नौसेना का ध्वज पहली बार INS कलकत्ता पे फहराया जाएगा। इस तिरंगे झंडे और नौसेना के ध्वज की आन बान और शान को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी INS कोलकाता की शिप कंपनी पर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी निष्ठा और लगन के साथ आप इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और आने वाले दिनों में, महीनों में और सालों में अपने जहाज का नाम, अपने बेड़े का नाम, अपने कमान का नाम और भारतीय नौसेना का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे। जय हिंद।